Hello friends and welcome to the exams made simple and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 8th of April 2020. So 8 April 2020 ka news analysis dekhenge. Before we start, those who want to get the current affairs prelims 365 PDFs for international relations, polity or economy, they can get that from the links given in the description comment section below. Those who want to join the TEMS portal, they can join us by the links given in the description comment section below. Aur jinko hamara Telegram channel join karna hai, link niche di hui hai, aap wahan se join kar sakte hain. So let's start the questions. फर्स्ट जिनके आंसर्स आप करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग द नागपुर सेशन ऑफ 1920 ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंज किए गए थे बाय द नागपुर सेशन ऑफ 1920. तो आपको बताना है कौन कौन से चेंजेस थे. पहला स्टेटमेंट कह रहा है कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑफ 15 मेंबर्स वॉज सेटअप टू लीड द कांग्रेस. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एंट्री फी इन द पार्टी वॉज रिड्यूस टू 4 आनास. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वॉज ऑर्गेनाइज बट ऑन नॉन लिंग्विस्टिक बेसिस. तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू ओनली या थ्री ओनली. क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर इन असम ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन वेन स्ट्राइक्स टुक प्लेस इन टी प्लांटेशन एंड असम बंगाल रेलवे सर्विसेज वर ऑर्गेनाइज. तो जो स्ट्राइक्स थी टी प्लांटेशन में और असम बंगाल रेलवे सर्विसेज में, तो वो किसके लीडरशिप में असम में सेटअप की गई थी. ऑप्शन आर ए रानी गैदिन लियू, बी जे एम सेन गुप्ता, सी अरुणा असफ अली या डी नन ऑफ दी अबव. क्वेश्चन नंबर थ्री इज द कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी फॉर्मेशन एज द आफ्टर मैथ रिएक्शन ऑफ विदड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन वॉज स्टैब्लिश्ड बाय. तो जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी बनी थी आफ्टर द विदड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये किसने बनाई थी. ऑप्शन आर ए चित्तरंजन दास, एन सी केलकर, जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी चित्तरंजन दास, एन सी केलकर एंड मोतीलाल नेहरू या डी नन ऑफ दी अबव. सो दीज आर द थ्री क्वेश्चन फॉर यू टूडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो आपको नीचे कमेंट में इनके आंसर्स करने हैं. नाउ लेट मी टेल यू दी आंसर. मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ, अगर आपने कर लिए तो आप उसको मैच कर लीजिए, नहीं किया तो पॉज करके आंसर करिए फिर मैच कर लीजिए, ठीक है ना. सो लेट मी टेल यू दी आंसर. पहला क्वेश्चन पूछा था मैंने कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंज किए गए थे. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी 15 मेंबर की बनाई गई थी जो कि लीड करेगी कांग्रेस को. दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो एंट्री फी थी पार्टी में वो रिड्यूस कर दी गई थी, 4 आना कर दी गई थी. तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. क्यों? क्योंकि प्रोविंशियल कमेटीज बनाई गई थी लेकिन वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे थी. यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है नॉन लिंग्विस्टिक बेसिस. तो नॉन लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं था, लिंग्विस्टिक बेसिस था, लैंग्वेज के बेसिस में था, याद रखेगा. एंड दैट इज वाई थर्ड इज रॉन्ग, वन एंड टू इज करेक्ट. आंसर विल बी सी, वन एंड टू. क्वेश्चन नंबर टू पूछा था मैंने कि असम में किसने हेल्प की थी इन सेटिंग अप द स्ट्राइक्स इन असम बंगाल रेलवे सर्विसेज एंड टी प्लांटेशन. तो आंसर विल जे एम सेन गुप्ता. रानी गैदिन लियू सबको पता है नागालैंड में थी वो, अरुणा असफ अली दूसरे 1942 में थी एंड नॉन ऑफ द अबव विल नॉट बी द आंसर, ठीक है ना. सो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया था आफ्टर द विदड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो इसका आंसर होगा सी चित्तरंजन दास, एन सी केलकर एंड मोतीलाल नेहरू. तो ये भी आप इसको याद रखिएगा. सो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस एंड थ्री आंसर्स. अब आज हम मैप ऑफ द डे देखते हैं. मैप ऑफ द डे में आज हम देखेंगे जो ग्रेट लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. पांच लेक्स हैं जो कि ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में आती हैं, उनकी लोकेशन देखेंगे और एक आध इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है इसके रिगार्डिंग वो हम जानेंगे. तो आपको ये मैप दिख रहा होगा. अब देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो ग्रेट लेक्स है नॉर्थ अमेरिका की वो दो कंट्रीज के बीच में है. एक आपका अमेरिका है, दूसरा आपका कनाडा है, ठीक है ना. तो यूएसए और कनाडा के बीच में ये पाई जाती हैं. इन पांच लेक्स में केवल एक लेक ऐसी है जो कि पूरी की पूरी यूएसए में आती है. नाउ दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट लेक्स लाइज कंप्लीटली इन यूएसए और विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट लेक्स लाइज बोथ इन यूएसए एंड कनाडा. ऐसे क्वेश्चन दोनों में जा सकते हैं लेकिन केवल एक ही लेक है जो पूरी की पूरी यूएसए में आती है. तो मैप बताने का मेरा काम सिर्फ ये नहीं कि आपको दिखा दूं, मैं आपको थोड़ा सा जो क्वेश्चन आ सकता है वो भी बताना चाहता था कि पहले तो पूछ सकता है इनमें से कौन सी आती हैं जो ग्रेट लेक्स में आती हैं. तो वो पांच लेक्स कौन से, सबसे पहले अपन देख लें. तो लेक सुपीरियर, अब लेक सुपीरियर के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. एरिया वाइज अगर हम देखें तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की, ठीक है ना. तो लेक सुपीरियर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर हम देखते हैं. दूसरी जो लेक है वो है लेक ह्यूरॉन. ओके, लेक ह्यूरॉन आपको दिख रहा होगा. देन आपको लेक ऑन्टेरियो दिख रहा है, देन लेक एरी दिख रही है, देन लेक मिशिगन दिख रही है. तो नदर्न मोस्ट अगर पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नदर्न मोस्ट लेक्स ऑफ लेक ऑफ ग्रेट लेक्स, तो लेक सुपीरियर नदर्न मोस्ट है. अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ईस्टर्न पॉइंट पे कौन सी लेक है, तो लेक ऑन्टेरियो का पॉइंट देखो सबसे ईस्ट में आ रहा है, लेक ऑन्टेरियो. वेस्टर्न मोस्ट में सबसे ज्यादा लेक सुपीरियर ही आ रहा है. देखो वेस्टर्न मोस्ट भी सबसे ज्यादा लेक सुपीरियर आ रहा है. सदर्न मोस्ट में देख लो कौन सी लेक आ रही है सबसे ज्यादा, आपका लेक मिशिगन आ रहा है, ठीक है ना.
तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए जो फैक्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये 5 लेक्स हैं, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक ऑन्टोरियो, लेक मिशिगन एंड लेक एरी। ये 5 लेक्स हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे कि वो कौन सी लेक है जो टोटली यूएसए में लाई करती है। दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट लेक्स लाइक लाइज इंटायरली इन यूएसए। आंसर फॉर दैट विल बी लेक मिशिगन। लेक मिशिगन ऐसी लेक है जो कि पूरी की पूरी आपकी यूएसए में आती है। नीचे मैंने फैक्ट लिखा भी है, एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स बाय वॉल्यूम। अगर हम इन सारी ग्रेट लेक्स को देखें तो वॉल्यूम में सेकेंड रैंक पर आता है ये, फर्स्ट पर आप ऑब्वियसली लेक सुपीरियर आता है। एंड ये जो ग्रेट लेक मिशिगन है, जो लेक मिशिगन है वो लेक ह्यूरॉन से जुड़ी है बाय स्ट्रेट ऑफ मैकिनैक। ओके, तो स्ट्रेट ऑफ मैकिनैक जो है वो कौन सी दो लेक्स को जोड़ता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रेट ऑफ मैकिनैक जॉइन विच टू लेक्स। तो मिशिगन और ह्यूरॉन को जोड़ने का काम करता है स्ट्रेट ऑफ मैकिनैक। तो ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान नहीं जाता लोगों का कि इतने क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये सारे प्रोबेबल क्वेश्चन हैं। लेक मिशिगन और लेक ह्यूरॉन को कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है, तो स्ट्रेट ऑफ मैकिनैक कनेक्ट करता है। यह क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रेट ऑफ मैकिनैक कौन सी दो लेक्स कनेक्ट करता है, तो लेक मिशिगन और लेक ह्यूरॉन को। कौन सी लेक है जो टोटली यूएसए में आती है, तो लेक मिशिगन एकमात्र ऐसी लेक है इनमें से जो टोटली यूएसए में आती है, बाकी लेक्स यूएसए और कनाडा के बीच में आती है। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। कौन सी लेक है जो रिवर है जो लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरॉन के बीच में है, तो ये आपकी सेंट मेरीज रिवर है। देखो सेंट मेरीज रिवर लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरॉन के पाथ के बीच में आती है, याद रखना है। देन कौन सा फॉल है जो ऑन्टेरियो लेक के आसपास है, वो तो नियाग्रा फॉल। देखो आपको नियाग्रा फॉल दिख रहा है, लेक ऑन्टेरियो और लेक एरी के बीच में आ रहा है, तो लेक ऑन्टेरियो लेक एरी के बीच में नियाग्रा फॉल भी आपको दिख रहा होगा। तो ये कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो कि पूछा जा सकता है, लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, एरी, ऑन्टेरियो, इनमें से कौन सी यूएसए में है। मिशिगन सबसे बड़ी, सुपीरियर सेकंड, मिशिगन फिर उसके बाद मिशिगन और ह्यूरॉन को जोड़ने वाला स्ट्रेट ऑफ मैकिनैक, फिर उसके बाद कौन सी रिवर जो कि सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में आती है, तो सेंट मेरी। कौन सा फॉल है जो कि लेक ऑन्टेरियो पे आता है, नियाग्रा फॉल्स। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस मैप से आप कर सकते हैं। दीज कैन बी द प्रोबेबल क्वेश्चन, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट। अब हम न्यूज एनालिसिस पार्ट में आ सकते हैं। तो पहली जो न्यूज है वो फ्रंट पेज से ही है, इंडिया लिफ्ट्स बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। तो इंडिया ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन में जो बैन लगा था उसको, उसके एक्सपोर्ट पे जो बैन लगा था उसको हटा लिया है। तो यू कैन सी दैट इंडिया अनाउंस दैट इट हैज रिसेंडेड इट्स अर्लियर बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ मलेरिया ड्रग एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन HCQ। तो एंटी मलेरियल ड्रग है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, जिसको कि हमने बंद कर दिया था उसका एक्सपोर्ट, क्योंकि उसका यूज़ किया जा रहा था फॉर COVID-19। तो यूएसए में इसका यूज़ किया जा रहा है, इसलिए हमने इसका अब एक्सपोर्ट फिर से चालू कर दिया है। इट्स एन एंटी मलेरियल ड्रग, याद रखिएगा, एंटी मलेरियल ड्रग, एंड इट्स एन इंटरफेरॉन ब्लॉकर। क्या है ये, इंटरफेरॉन ब्लॉकर है एंड वर्क्स बाय डिमिनिशिंग द इम्यून सिस्टम्स रिस्पॉन्स टू अ वायरल इन्फेक्शन। ओके, तो ये याद रखिएगा। एंड बेसिकली यहाँ पे फ्रांस में स्टडी की गई थी कि इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रीटिंग COVID-19। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि हमने एक्सपोर्ट बंद कर दिया था लेकिन फिर से चालू कर दिया। दूसरी जो न्यूज़ है वो भी फ्रंट पेज से ही है, डेलीज 5T वॉर अगेंस्ट वायरस। अब डेली ने 5T फार्मूला दिया है COVID-19 से लड़ने का। अब ये क्या फार्मूला है 5T का, लेट मी टेल यू। ये 5T का फार्मूला है, पहला जो टी है वो है टेस्टिंग, द फर्स्ट टी इज टेस्टिंग विच कैन बी डन ऑन अ मास स्केल, है ना, तो ये विच इनेबल्स द एक्चुअल डेटा के लिए टेस्टिंग करना है। दूसरा जो टी है वो है ट्रेसिंग, थर्ड टी इज ट्रीटमेंट, फोर्थ टी इज टीम वर्क एंड फिफ्थ टी इज ट्रैकिंग। तो ये 5 टी हैं, फर्स्ट इज टेस्टिंग, सेकंड इज ट्रेसिंग, थर्ड इज ट्रीटमेंट, फोर्थ टीम वर्क एंड फिफ्थ इज ट्रैकिंग। ये डायरेक्टली आप आंसर राइटिंग में यूज करेंगे, मेन आंसर राइटिंग में जब आपको क्वेश्चन आएगा इस तरीके का कि ये 5 तो आपको किसी भी बीमारी में यूज कर सकते हैं, सिर्फ कोविड पे नहीं, कहीं पे भी अगर आपसे पूछे कि पैंडेमिक आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है या पैंडेमिक या एपिडेमिक का कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो ये 5 T आप लिख देना, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे 5 T से, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स था जिसको हमको डिस्कस करना है।
तो एक न्यूज़ आई थी आई थिंक इस पेज से, ओडिशा टेली मेडिसिन हेल्पलाइन स्टार्ट्स वर्किंग फ्रॉम टुडे। तो ओडिशा ने अपना टेली मेडिसिन स्टार्ट कर दिया है आज से। अब ये टेली मेडिसिन होता क्या है और टेली मेडिसिन और टेली हेल्थ में क्या डिफरेंस होता है, ये दो फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे देखो यही है कि अपने को बिटवीन द लाइंस पढ़ना आना चाहिए। देखो वो न्यूज़ क्या थी, वो न्यूज़ अगर आप अपने से पेपर पढ़ते तो स्किप कर देते अमूमन, लेकिन आपको ये आना चाहिए कि दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, आपको बिटवीन द लाइंस रीड करना आना चाहिए। तो टेली मेडिसिन क्या होता है पहली चीज़, तो टेली मेडिसिन का मतलब है जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इवैल्यूएट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को एट अ लॉन्गर डिस्टेंस बाय यूजिंग टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जब कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल इवैल्यूएट करता है, डायग्नोस करता है, ट्रीट करता है पेशेंट्स को एक डिस्टेंस से, वो इतनी डिस्टेंस होती है कि उनको टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू ट्रीट, डायग्नोस एंड इवैल्यूएट द पेशेंट, देन दैट इज नोन एज टेली मेडिसिन। अब टेली हेल्थ और टेली मेडिसिन में क्या डिफरेंस है, देखो टेली हेल्थ जो है दैट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, याद रखिएगा टेली हेल्थ के अंदर ही टेली मेडिसिन आएगा। टेली हेल्थ अगर ये है तो टेली हेल्थ है अगर ये तो ये चीज है टेली मेडिसिन। ओके, तो टेली हेल्थ इज अ ब्रॉडर टर्म एंड टेली मेडिसिन इज अ पार्ट ऑफ दैट बिग सर्कल। ओके, तो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट बिग सर्कल, टेली हेल्थ ज्यादा बड़ा टर्म है। अब टेली हेल्थ के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो हेल्थ केयर रिलेटेड होती हैं, जैसे कि क्लिनिकल चीजें भी आती हैं, नॉन क्लिनिकल चीजें भी आती हैं, लेकिन टेली मेडिसिन में केवल क्लिनिकल चीजें आती हैं। रिमोट क्लिनिकल सर्विसेज कम अंडर टेली मेडिसिन, क्लिनिकल सर्विसेज मतलब कि ट्रीट करने वाली, डायग्नोस करने वाली, इवैल्यूएट करने वाली, लेकिन टेली हेल्थ में क्लिनिकल भी आती है प्लस नॉन क्लिनिकल भी आती है। नॉन क्लिनिकल मतलब कि ट्रेनिंग हो गई, मीटिंग हो गई, मेडिकल कंटिन्यूइंग मेडिकल इवैल्यूएशन हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिकल एजुकेशन हो गया सॉरी, तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं। तो टेली हेल्थ इज अ ब्रॉडर टर्म, इसमें क्लिनिकल प्लस नॉन क्लिनिकल आता है। टेली मेडिसिन जो होता है वो एक पिन पॉइंटेड स्पेसिफिक चीज़ है जो कि इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के रिलेटेड है, जो कि केवल क्लिनिकल होता है। टेली हेल्थ इज क्लिनिकल प्लस नॉन क्लिनिकल, याद रखिएगा टेली हेल्थ इज क्लिनिकल प्लस नॉन क्लिनिकल, टेली मेडिसिन इज ओनली क्लिनिकल। अगली जो न्यूज़ है वो देखते हैं कौन सी न्यूज़ है जिसको हम डिस्कस करना है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं। एडिटोरियल्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी दो एडिटोरियल हैं जिसको हम डिस्कस करना है, इसके आगे मूव करते हैं पहले। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो बेसिकली है ये, जेंडर वायलेंस इज शैडो पैंडेमिक। नाउ जेंडर वायलेंस इज शैडो पैंडेमिक, वेरी वेरी गुड न्यूज़ आइटम, और ये न्यूज़ आइटम इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको कोविड 19 का एक और जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है। देखो कोविड 19 आने से लॉकडाउन शुरू हुआ, आप मानते हो इस चीज़ को, लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन शुरू होने के बहुत सारे फायदे नुकसान हमने देखे हैं, ये एक नया पर्सपेक्टिव है जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया है, तो इसको हम देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ दैट अभी रिसेंटली ये पता चला है कि द नंबर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस केसेस आर इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस केसेस आर इंक्रीजिंग। जो हेल्पलाइन नंबर है सिंगापुर, साउथ कोरिया में, यहाँ पर डबल से ज्यादा कंप्लेंट आने लगी हैं, कुछ कंट्रीज में कंप्लेंट भी नहीं आ रही हैं। ओके, बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड फियर। तो ये हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन द डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हैव बीन इंक्रीजिंग। यूएन वुमेन ने कहा है कि जो कंट्रीज कोविड 19 से लड़ने के लिए एक पूरी की पूरी चार्टर बना रही हैं, उस चार्टर के अंदर यू शुड हैव स्टेप्स टू मिनिमाइज दिस डोमेस्टिक वायलेंस केसेस एज वेल। आपको पूरे एक्शन प्लान के अंदर कुछ ये स्टेप्स भी लेने चाहिए कि जो कि ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को कम कर सके। अब उन्होंने क्या कहा है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, दिस कम्स अंडर अ शैडो पेंडेमिक। शैडो पेंडेमिक का मतलब क्या है कि एक पेंडेमिक के परछाई के अंदर एक दूसरा एक पेंडेमिक शुरू हो चुका है, जिसको कि डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ कहा जा रहा है। तो इसे शैडो पेंडेमिक, और इसको दूर करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि कोविड 19 को दूर करना जरूरी। तो अगर आप कोई एक्शन प्लान बना रहे हैं, अगर आप एक्शन प्लान बना रहे हैं कोविड 19 को कम करने का, मिटिगेट करने का, देन यू शुड हैव स्टेप्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन द हेल्थ ऑफ वुमेन एज वेल। आपको डोमेस्टिक वायलेंस को कम करने के भी स्टेप्स उठाने चाहिए। दिस इज व्हाट यूएन वुमेन इज सेइंग। अब यूएन वुमेन की बात आई है, तो व्हाट इज दिस यूएन वुमेन? इट्स यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। याद रखिएगा, इट्स यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसको यूएन वुमेन भी कहा जाता है, और यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। Formed in 2010, लेकिन ये operational हुआ January 2011 में। Formed in 2010, but operational in January 2011. अब क्या-क्या कर सकते हैं? What could have been done? What can be done? ऐसा UN Women ने क्या बोला है? तो उन्होंने कहा है कि helpline number, पहले तो helpline होनी चाहिए, then psychosocial support, मतलब
साइकोसोशल सपोर्ट आपको वुमेन को देना चाहिए। थर्ड है ऑनलाइन काउंसलिंग के मेथड्स होने चाहिए, दे शुड बी बूस्टेड। हेल्पलाइंस, साइकोसोशल सपोर्ट, ऑनलाइन काउंसलिंग, दे शुड बी बूस्टेड यूजिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन। टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन का यूज करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल SMS, ऑनलाइन टूल्स, ये जो इमरजेंसी डिस्ट्रेस नंबर है इन सबको एक्टिवेट करके रखना चाहिए। तो इन सब चीजों से काफी ज्यादा वुमेन को हेल्प मिल सकती है। दिस इज वॉट यू एंड वुमेन इज सेइंग। सो दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। Now, अगली जो न्यूज है वो है 2 CSIR लैब्स स्टार्ट वायरस सीक्वेंसिंग। तो 2 CSIR की लैब्स है जिन्होंने वायरस सीक्वेंसिंग स्टार्ट कर दिया, तो उसके बारे में आपको बता देता हूं पहले। ओके, सो 2 CSIR लैब्स स्टार्ट वायरस सीक्वेंसिंग। अब इसमें क्या हुआ, बेसिकली इंडिया हैज शेयर्ड 9 होल जीनोम सीक्वेंसेस ऑफ द नोवल कोरोना वायरस, यानी कि SARS-CoV-2 जो वायरस का नाम है वो SARS-CoV-2 है। हमने जो है इनको सीक्वेंसिंग करके इसका डेटा जो है वो GISAID के साथ शेयर किया है। अब ये GISAID क्या है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो हमने जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा है वो किसके साथ शेयर कर दिया। तो हमने किया है GISAID। क्या है ये, इट्स अ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिसको कि WHO ने 2008 में स्टार्ट किया था फॉर कंट्रीज टू शेयर जीनोम सीक्वेंसेस। कंट्रीज ताकि जीनोम सीक्वेंसेस को शेयर कर सकें, ये है GISAID। किसने स्टार्ट किया, WHO ने स्टार्ट किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया, 2008 में स्टार्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, याद रखिएगा इसको, GISAID। सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि GISAID क्या है, इट्स अ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। तो ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा शेयर करने के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इनिशिएटेड बाय WHO। WHO ने इसका स्टार्ट किया 2008 में फॉर कंट्रीज टू शेयर जीनोम सीक्वेंसेस, जहां पे जीनोम सीक्वेंसेस का इंफॉर्मेशन कंट्रीज शेयर कर सकती हैं। अभी जो हमारा डेटा शेयर हो रहा है वो NIV यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है वो शेयर कर रहा है, ठीक है ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है, उसने ये डेटा शेयर किया। CSIR का नाम आया था, तो CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। गवर्नमेंट ने 1942 में इसको एस्टैब्लिश किया एज एन ऑटोनॉमस बॉडी। तो गवर्नमेंट ने सितंबर 1942 में इसको ऑटोनॉमस बॉडी की तरह एस्टैब्लिश किया, और ये जो काम करता है रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, मेनली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो फंडिंग आता है मेनली वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आता है, एंड इट ऑपरेट्स एज एन ऑटोनॉमस बॉडी थ्रू द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑपरेट फंड होता है किससे, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, लेकिन ये ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। 1942 काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा जो चीजें मैं बताता जा रहा हूं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिसको हमको डिस्कस करना है। तो यहां पर आपको एक इकोनॉमी पेज में न्यूज मिलेगी जिसको जो है कि आपकी इकरा और जो SBI है उसने MCLR को डिक्रीज कर दिया, ठीक है ना। तो SBI कट्स MCLR बाय 35 basis points। और एक जो दूसरी न्यूज़ है वो है इकरा यानी कि ICRA के बारे में न्यूज़ है। तो हम ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम MCLR की बात कर लेते हैं, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। SBI ने इसको कट कर दिया। तो ये MCLR होता क्या है, MCLR होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। इट इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट दैट अ बैंक कैन लेंड एट, मतलब कि ये वो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जिससे नीचे बैंक लेंड नहीं कर सकता। इसी इंटरेस्ट रेट, ये मिनिमम होता है, इतने में ही आपको लेंडिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। इट्स अ टेनर लिंक्ड इंटरनल बेंचमार्क, जिसका मतलब ये होता है कि इसका जो रेट डिटरमाइन होता है कैसे होता है, इट इज डिटरमाइंड इंटरनली बाय द बैंक डिपेंडिंग ऑन द पीरियड लेफ्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम बचा हुआ है फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन, उसके ऊपर ये MCLR निकाला जाता है, ठीक है ना। अब ये निकालने के लिए 4 कंपोनेंट होते हैं, एज इट इज इस कंपोनेंट को रट लेना। आपसे क्वेश्चन UPSC अगर पूछेगा तो यही पूछेगा कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट है या नहीं पूछेगा डायरेक्टली क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछता तो ये 4 कंपोनेंट याद रखना। इनको बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बट ये 4 कंपोनेंट याद रखना। फर्स्ट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। देखो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड का सीधे फॉर्मूला होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है मैंने लिखा हुआ है,
92% ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग प्लस 8% ऑफ रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का 92% वेट लेते हैं और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का 8% वेटेज लेते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड निकल आता है, ठीक है ना। तो इसका पहला कंपोनेंट है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, दूसरा है निगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, तो CRR पे निगेटिव कैरी कितनी है वो दूसरा कंपोनेंट है, तीसरा है ऑपरेटिंग कॉस्ट और चौथा है टेनर प्रीमियम। टेनर प्रीमियम क्या होता है, वो प्रीमियम, वो रेट जो कि चार्ज किया जाता है बैंक्स के द्वारा फॉर हाई लॉन्गर टर्म लोन्स, जो लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है उसमें जो प्रीमियम चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट रेट, वो टेनर प्रीमियम कहलाता है, ठीक है ना। तो ये चार इसके कंपोनेंट होते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, निगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट थर्ड, टेनर प्रीमियम चौथा, ठीक है ना। इतना ही आपको जानना जरूरी है MCLR के बारे में, जो मैंने बताया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट कहलाता है, ये वो मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है जिसके नीचे बैंक्स लेंड नहीं कर सकते, मतलब दिस इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट दैट अ बैंक कैन लेंड एट, इसके नीचे नहीं जा सकता, यही मिनिमम होता है, ठीक है ना। तो ये MCLR हो गया। टेनर लिंक्ड होता है, मतलब कि कितना टाइम लोन रिपेमेंट में बचा है वो डिसाइड करेगा कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा, एक दिन बचा है, 10 दिन बचा है, एक महीना बचा है, 6 महीना बचा है, उस पर डिपेंड करता है। चार कंपोनेंट होते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, निगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट, टेनर प्रीमियम, ठीक है ना। अब इसके पहले जो सिस्टम था उसको बेस रेट स्ट्रक्चर कहा जाता था। बेस रेट स्ट्रक्चर 2010 से स्टार्ट हुआ था और MCLR की जो मेथडोलॉजी है वो 2016 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अंडर द MCLR रिजीम बैंक्स आर फ्री टू ऑफर ऑल कैटेगरीज ऑफ लोन ऑन फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। तो ये याद रखिएगा कि MCLR के नीचे किसी रेट पे लेंड नहीं कर सकते, देयरफोर अ बैंक कैन नॉट लेंड एट अ रेट लोअर देन MCLR फॉर अ पर्टिकुलर मैच्योरिटी, ये आपको याद रखना है, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये चार कंपोनेंट्स होता है। अब नाउ क्या बेनिफिट होता है MCLR कट का। अब देखो MCLR अगर कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि और नीचे ले गए, इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों के लिए जो लोन है वो और सस्ते हो गए, लोग और ज्यादा लोन ले सकते हैं, जब और ज्यादा लोन ले सकते हैं लोग तो उनसे उससे उनके पास पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से ग्रोथ, तो ग्रोथ इस पर करने का तरीका है बेसिकली आपका MCLR कट करना। इकरा भी न्यूज में था, मैंने आपको दिखाया था। तो इकरा क्या है, ICRA लिमिटेड, इंडिपेंडेंट इंडियन प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंडियन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, 1991 में बनी थी। ओरिजिनली इसका नाम था इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ICRA था, अब उसको ICRA लिमिटेड कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको मैंने बता दी। नाउ वी कैन कम टू द एडिटोरियल सेक्शन, अब हम एडिटोरियल में आ सकते हैं। दो एडिटोरियल हैं जो हमको डिस्कस करने हैं, बट दोनों के दोनों ही एकदम जोरदार, जिंदाबाद, जबरदस्त ही है एडिटोरियल, है ना। तो वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या क्या एडिटोरियल में है। पहला एडिटोरियल है 10 questions posed by the COVID-19 वायरस, 10 सवाल हैं जो कि COVID-19 पूछता है, वो हम एक एक करके देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए भी नहीं इन्होंने, तो वो हम भी नहीं देंगे, हमको बस पढ़ना है, समझना है, जानना है, ठीक है ना। तो एक हम पहले देखते हैं कि 10 questions जो पोस्ट कर रहा है वायरस। पहला क्वेश्चन है, द वायरस हैज रीसरेक्टेड द क्लासिक यूटिलिटेरियन क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूटिलिटेरियन क्वेश्चन, तो यूटिलिटेरिज्म क्या होता है, बेसिकली एथिक्स में एक फिलॉसफी होती है कि ग्रेटर गुड टू ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल, ओके। आपको ऐसे काम करना है, अगर आपको ये डिटरमाइन करना है कि कोई काम सही है या गलत है, तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय फाइंडिंग आउट ग्रेटर गुड टू ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल, ज्यादा अच्छा ज्यादा लोगों के साथ होना चाहिए, तो वो चीज सही मानी जाती है। बेसिकली ये कॉन्सिक्वेंशियल बेस्ड होता है, मतलब कॉन्सिक्वेंस देखा जाता है इसमें कि कितने लोगों के साथ बेनिफिट हो रहा है, कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है, और अगर बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट कम है तो वो चीज सही मानी जाती है। यूटिलिटेरियन पीस में ऐसा होता है, जेरेमी बेंथम इसके वो थे। तो ये सारी चीजें, ये पहला क्वेश्चन है कि अब जैसे कोविड-19 जब हुआ तो ये पता लगा कि भाई अगर हमारे पास एक ही वेंटिलेटर है लेकिन दो लोग आ गए हमारे पास, जैसे कि जिसमें से एक की उम्र 35 साल है, दूसरे की उम्र अगर 60 साल है, तो आप किसको बचाएंगे, किसको बचाने में ज्यादा गुड है, ज्यादा बेटर होगा, किसको बचाने से इकोनॉमी को ज्यादा फायदा होगा, किसको बचाने से लोगों का ज्यादा फायदा होगा, कौन सा व्यक्ति है जो कि ज्यादा जिंदगी व्यतीत कर चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन, तो ये पहला जो यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट है इसको कोविड-19 जरूर रिसरेक्ट कर दिया है, ठीक है ना, कि किसको आप खोना पसंद करेंगे। सोशल डार्विनिज्म, ये भी उन्होंने बोला कि जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट प्रिंसिपल हैज नेवर बीन टेस्टेड डिस्क्लोज, तो ये दूसरी चीज है, तो काफी इंपॉर्टेंट था। सेकंड है, व्हाट इज नेशनल पावर, अब आप किसको नेशनल पावर बोलते हो,
एक जमाने में जब आप मानते थे कि अमेरिका इज द सुपर पावर, अमेरिका के पास इतनी ज्यादा मिलिट्री है, ये है वो है, लेकिन आज देखो अमेरिका में 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 2,00,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। तो ये आप बताओ कि व्हाट इज नेशनल पावर, क्या कंपोनेंट होना चाहिए नेशनल पावर, क्या मिलिट्री कंपोनेंट होना चाहिए या दूसरा कोई कंपोनेंट होना चाहिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन है विच हैज बीन आस्क्ड बाय दिस वायरस। थर्ड इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड वेदर द ग्लोबलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट और नॉट। अगर आप COVID-19 को देखें तो हर कंट्री अपने बॉर्डर को क्लोज कर रही है, एवरी कंट्री इज क्लोजिंग डाउन इट्स बॉर्डर। अगर आप बॉर्डर क्लोज करते हो इसका मतलब है कि आप ग्लोबलाइजेशन को शट डाउन कर रहे हो, सही बात है। तो COVID-19 के आने के बाद ये है कि इट इज विदरिंग द ग्लोबलाइजेशन, दिस वायरस इज शोइंग यू कि दिखा रहा है कि आपको जब तक ग्रीड थी, जब तक आपका फायदा था, जब तक आपका प्रॉफिट था, तब तक आप कर रहे थे, लेकिन आपने उस ग्लोबलाइजेशन के लिए इन्वायरमेंट की भी आहुति दे दी, आपने इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। बट अभी जब आपकी जान पे बनाई तो आपको समझ में आया ग्लोबलाइजेशन कितना वो है, अब आपने बॉर्डर सील कर दिए। तो ऑथर ने कहा है कि कैन अ न्यू ग्लोबलाइजेशन वेयर ह्यूमैनिटी एंड इन्वायरमेंट टेक प्रेसिडेंस, क्या एक ऐसा ग्लोबलाइजेशन आ सकता है जहां पे ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता और जो इन्वायरमेंट है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए। तो ये ऑथर ने यहाँ पर बात की है। चौथा जो सवाल है, हाउ मच मोर पावर विल द स्टेट एक्यूमुलेट। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि देखो सिटीजन्स जो है वो बेनेवोलेंस चाहते हैं, दया चाहते हैं, दे वांट कंट्रोल फ्रॉम द स्टेट, बट यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पूरा डेस्पोटिक पावर स्टेट गैदर करते जा रहे हैं एंड मास लेवल पे टेक्नोलॉजी का यूज करके सर्विलेंस किया जा रहा है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, विल दिस एक्सपेंडिंग स्टेट बी इंक्रीजिंगली डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिवली अथॉरिटेरियन। क्यों? क्योंकि चाइना और सिंगापुर ने यह दिखाया है कि अथॉरिटेरियन मेजर से आप एक कंट्री में वायरस को रोक सकते हैं। जर्मनी ने वहीं पर यह दिखाया कि डेमोक्रेटिक कंट्रोल से आप इसको रोक सकते हैं। इटली और यूएसए ने यह दिखाया कि अगर आप इंडिविजुअल और इंडिविजुअलिज्म और मार्केट्स में जाते हो तो वहां पे आपका गोल सही नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब है कि या तो डेमोक्रेटिक मेजर लो या तो आप अथॉरिटेरियन लो। तो ये वर्ल्ड जो एक्सपैंड कर रहा है अपने पावर को, ये किधर किधर की तरफ, ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या ये डेमोक्रेटिक स्टेट की तरफ बैठेगा या फिर कि ये पूरा का पूरा अथॉरिटेरियन की तरफ बैठेगा, तो ये देखना है। ये फिफ्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू द न्यू लिबरल विजडम दैट अनब्रिडल्ड कॉम्पिटिशन ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल इंप्रूव एफिशिएंसी एंड ब्रिंग प्रोग्रेस। तो ये जो था बीच में जब आया कॉम्पिटिशन का युग आया, तो ये वायरस हमको ये बताता है कि कॉम्पिटिशन जो है दैट इज नॉट वेरी गुड, कॉम्पिटिशन इज वेरी रिस्की। इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिशन वॉट इज गुड, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। तो यहाँ पे हमको ये वायरस ये शिक्षा देता है कि कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन इज मच बेटर देन कॉम्पिटिशन, ठीक है ना। सेवन्थ है, व्हाट विल हैपन टू पॉपुलिज्म। क्यों? क्योंकि पॉपुलिज्म ने ये दिखाया है, पॉपुलिस्ट्स हैव शोन रिमार्केबल रेजिलियंस इन द फेस ऑफ क्राइसिस, नॉट नेसेसरली बाय रिजॉल्विंग देम बट यूजुअली बाय ब्लेमिंग अदर कंट्रीज, अदर कम्युनिटीज और पॉलिटिकल अपोनेंट्स। तो यहाँ पे पॉपुलिज्म ने भी काफ़ी ज़्यादा रेजिलियंस दिखाया है, क्योंकि पॉपुलिज्म के थ्रू आप दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल सकते हो। एट्थ है, द इनह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर अंडर ग्लोबलाइजेशन लेबर्ड एफिशियंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस हैज बीन कंसील्ड बाय द ग्लिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन कंज्यूमरिस्ट सेडक्शन। तो बेसिकली जो हमने एक्सप्लॉयटेशन किया है लेबर्स का अंडर द व्हील ऑफ ग्लिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म, उसके ऊपर एक काफी जो उसका जो व्हील था उसको उतारने के लिए COVID-19 ने काफी मदद की है। नाइन्थ क्वेश्चन इज वेदर वी नीड टू ट्रेवल एज मच एज वी डू। जितना हम घूमते हैं ट्रेवल करते हैं क्या उतनी की हमको जरूरत है या उतने कम में भी हम काम चला सकते हैं। टेंथ इज हाउ आवर आइडिया ऑफ कम्युनिटी एंड बाउंड्रीज हैव चेंज। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो COVID-19 आने के बाद ये है वो कम्युनिटी इंगेजमेंट की बात की जा रही है, कम्युनिटी इंगेजमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लॉकडाउन हुआ, फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन है, अगर आपका कम्युनिटी इंगेजमेंट नहीं है तो आप लॉकडाउन को सफल नहीं कर सकते हैं, वही आपका फेल हो जाएगा। तो ये जो 10 सवाल थे ये COVID-19 उठाता है, दीज आर वेरी जेन्युइन वेरी ऑथेंटिक क्वेश्चंस, काफी अच्छा डिस्कशन यहां पे हुआ, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा जो एडिटोरियल है वो है अ डिफरेंट इकोनॉमिक अप्रोच, ये आर्टिकल लिखा गया था बाय पूजा मेहरा, डिफरेंट इकोनॉमिक अप्रोच, इसके बारे में हम आज डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल थीम क्या है? तो ऑथर की सेंट्रल थीम ये है कि जो लॉकडाउन है अगर उसको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग किया गया तो उसके कारण जो इकोनॉमिक कॉस्ट होगी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो क्या हमारी कंट्री तैयार है कि इतने ज़्यादा जो अनलिमिटेड टाइम का लॉकडाउन है उसके लिए क्या हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट बियर कर सकते हैं? तो ऑथर ने कहा कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ भी ना कॉम्प्रोमाइज़ हो और हमारी जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ऑथर ने इसके लिए क्या सजेशंस दिए हैं? तो पहला सजेशन ऑथर देता है, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ कॉम्बैटिंग COVID-19
19 can be reduced by combining aggressive testing and isolation. तो आसान ने कहा कि aggressive testing करो और isolation करते जाओ. अगर आप aggressive testing और isolation करके जल्दी से उस population को अलग कर देते हो, isolate कर देते हो जो कि affected है, तो आप उस population को घर से निकाल सकते हो जो कि affected नहीं है. दूसरा author ने कहा है, there is a substantial ramping up of manufacturing capacities for medical grades of mask, gloves, gowns, ventilators, testing labs. आपको सबसे ज़्यादा investment करना चाहिए medical grade masks में, gloves में, gowns में, ventilators में, testing labs में. तो author ने दूसरा, तीसरा author ने कहा है कि lockdown जो है वो normal नहीं होता, इसलिए आपको ये करना चाहिए कि loan moratoriums करो, cash transfer करो to fend off the bankruptcy, ताकि bankruptcy ना हो, थोड़ा उसको 2-3 महीने आगे shift कर दो ताकि लोगों के पास time मिल जाए कि वो बाद में अपना repayment कर सके, ठीक है ना. ऑथर ने कहा कि पब्लिक हेल्थ को आपको कोशिश करना चाहिए कि आप 6 महीने के लिए उसको इकोनॉमिक हेल्थ के साथ ट्रेड ऑफ कर दो, ठीक है ना, तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. तो ऑथर ने कुल मिला के ये सारे रीजन सजेशंस दिए हैं. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. आर्टिकल भी आपको पूरी न्यूज़ समझ में आएगी, एडिटोरियल समझ में आए होंगे और आज का जो मैप वर्क था वो समझ में आएगा. दैट इज इट फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.